देख लग गया तब भी गाड़ी स्टार्ट। और देखिए यहाँ पे गाड़ी जो है गरम हो गया। इस मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मिले यहाँ पे हमारे पहले सब्सक्राइबर से जो आज मॉर्निंग में मिले। हाईफाई हो जाए यस। तो भाई लगता है कॉलेज या स्कूल में हो? कॉलेज अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। क्या बात है, नाइस। चलो तो सो फाइनली गाड़ी को यहाँ पे निकाला है। देखो इंजन चेक लाइट अभी तक जल रहा है। तो इसके पीछे इसलिए मैं परेशान हूँ कि यह बन जाएगा तो अपने थोड़े से व्लॉगिंग जो है इसमें भी आना चालू हो जाएगा, घूमना फिरना चालू हो जाएगा। तो ये जहाँ तक गाड़ी चलेगा वहाँ तक चलाएंगे और ये जहाँ पे गर्म हो गया वहाँ पे फिर इसको छोड़ देंगे। अच्छा लगता है भाई आप लोगों से मिल के, जब भी मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग और बाकी लोग मिलते हैं तो आपके साथ मिल के बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे भी देखने मिलता है यार, बड़े बड़े चंगे चंगे ब्यूटीफुल सारे लोग देखते हैं व्लॉग, अच्छा लगता है। तो अभी तक ये गर्म तो हुआ नहीं है और 2 या 1.5 किलोमीटर के अंदर की ये गर्म हो जाता है। तो मैं इसे खाली रास्ते से लेके जा रहा हूँ जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होता नहीं, वो रूट पूरा ट्रक वालों का रहता है। मेरे साथ पीछे पीछे संदीप भी आ रहा है कि जहाँ गाड़ी बंद हो गया वहाँ पर रुक के बातें करेंगे। देखो देखो पीछे आ रहा है वहाँ पे गाड़ी लेके और हम चल रहे हैं। अभी तक गर्म तो नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे गाड़ी जो है गर्म हो गया और मैं इसे यहाँ पे अब छाव में थोड़ी देर रोकूंगा। गर्म हो गया, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा 10 मिनट। स्लोप मिल जा रहा है तो देखो गाड़ी यहाँ पे अपने आप धीरे धीरे आगे चल रही है, एकदम धीरे धीरे। क्या करे यार, जब लिए थे तब मैं इसको 150 किलोमीटर बिना किसी प्रॉब्लम के लाया था, लेकिन लाने के बाद छोटे मोटे काम करने के बाद मेन काम आ गया हीटिंग का, मतलब सेंसर बार बार गर्म हो जाता है और गाड़ी को बंद कर देता है। और गाड़ी का जो इंजन एकदम स्मूथ चल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है, मैकेनिक साहब भी बता सकते हैं। तो गाड़ी एकदम धीरे धीरे, ये देखो स्लोप है तो बड़े मजे से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो इतना है कि देखो फैन इसका कंटिन्यू चल रहा है, तो सोचे गाड़ी बहुत गर्म हो गई, इसको तो मैकेनिक ठंडा कर सकता है, लेकिन हमें ठंडा करने के लिए यहाँ पे अंकल जी है नारियल पानी वाले। तो अंकल का नारियल इतना महंगा है, हाँ अंकल दो देना हिसाब से वही जो रेट बताया आपको। तो हम यहाँ पे नारियल पानी पी के थोड़ा ठंडा हो जाते हैं और इसको फिर बस थोड़ी दूर गैरेज है जहाँ पे इसको भी ठंडा कर देंगे हम। वैसे ये नारियल देख के मुझे याद आ रहा है ऑल इंडिया राइड का, जब मैं राइड पे था तो कितने सस्ते में नारियल मिला था मेरे को, 100 रुपए का 5 नारियल लिया था केरला में और उसको बाइक पे बांध के लेके जाता, जहाँ नारियल पानी पीने का मन होता था बाइक से काटता था, खुद काटता था और खुद पीता था। मलाई होगा इसमें, हाँ मलाई जाड़ा है कुछ, मलाई मांगा तो अंकल ने पूरा मलाई दे दिया है, देखो वाह लो, अब पानी विद मलाई, एक्स्ट्रा मलाई हो गया उसमें। ठीक है पानी निकाल लेता ना फिर मलाई अलग से छील लेते, इतना मलाई अपने दे दिया है ना कि फाइनली नैनो यहाँ पे गैरेज पे पहुंच गई है। मैं देखता हूँ कितने देर में गर्म होती है ना, एक बार देख ले क्योंकि स्मेल नहीं आ रहा, तुझे लग रहा है ना यार, तेरे साथ रहकर थोड़ा तो सीखा यार। तो देखते हैं कि कितने दिन में गर्म हो जाती है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर के अंदर गर्म हो जाती है गाड़ी, 1.5 किलोमीटर के अंदर। और पीछे से दोनों गाड़ी सेम लग रहा है अरे, हाँ लेकिन पीछे से दोनों गाड़ी सेम लग रहे थे, क्या बात है, ऑलमोस्ट दोनों गाड़ी सेम ही है। इसका भी लुक जो है और कह सकते हैं उसका बड़ा भाई है वो गाड़ी जो वहां पे खड़ा है। और अभी सिर्फ इंजन चेक लाइट जल रहा है वो देखो, तो मैं भी सारा सीट का खोल के निकाल देता हूँ। तो सिंपल से हम किसी भी कार का काम करने के लिए सामने से ये डैश ये हुड खोलते हैं और फिर सारा सिंपल सिर्फ किसी भी गाड़ी का काम करने के लिए सामने से ये हुड खोलते हैं और गाड़ी का हम जो चाहे वो खोल सकते बिना किसी टेंशन के। लेकिन भाई यहाँ पे टाटा नैनो में आपको दिखाता हूँ, हाँ तो लेकिन टाटा नैनो में कोई भी काम करने के लिए भाई इसका ये 6 स्क्रू खोलना पड़ता है, सारा सामान बाहर करना पड़ता है। तो भाई हटा देते जयेश भाई इसको, ये रहा कितना है 6 है ना, तो ये रहा 6 नट खोलने में काफी टाइम गया, निकालो ना अभी इसको बाहर, और भी 4 नट खोलना पड़ेगा। ये देखो खुल जा सेम, इधर से भी आधा ही काम होगा, ये भी खोलना पड़ेगा मुझे लगता है। तो देख रहे हो गाड़ी, वैसे गाड़ी बहुत शानदार है, बस थोड़ी इसको इलाज की जरूरत है। तो इसका ये दूसरा पैनल खोल रहा है जो कि पीछे से भी काम होगा, खोला दे झटका दे, हाँ ये देखिए खुल जा सेम। यहाँ पे क्या एमटी का केटीएम का तेरा गया था ना कूलेंट वाटर की वजह से? नहीं, हाँ इंजन ऑयल में मिक्स हो गया था, ऑयल पानी
तो ये रेडिएटर में अभी पानी कूलेंट डाल के चेक कर रहे, और एग्जैक्ट कूलेंट क्यों डाल रहे यार, देखो कितना जाता है इससे ही मालूम पड़ेगा। अगर कूलेंट गायब हो गया इसका मतलब इंजन में मिक्स हो रहा है ना, नहीं कहीं लीकेज भी हो सकता है, पर लीकेज दिखना चाहिए ना, गाड़ी जब घर पे खड़ी रहती है तो नीचे लीकेज दिखना चाहिए ना। लो गाड़ी में कूलेंट ही नहीं है, बिना कूलेंट के चलाएगा तो गाड़ी गर्म होगी। तो कूलेंट गया किधर जो था इसमें, ऐसी बात है अगर इसमें से लीकेज होता तो नीचे कहीं गिरता हुआ दिखाई देता, बट वो दिखाई नहीं दे रहा और पूरा लिक्विड कूलेंट जल चुका है। तब भी सोचू वो दो दिन से ना आवाज नहीं आ रहा है गर्म पानी का, पिछली बार तेरा गाड़ी तो बहुत बार गर्म हो चुका है ना। हाँ तो गैस्केट गया रहेगा ना, पक्का चला गया रहेगा तो फिर ठीक है ना, डायरेक्ट गैस्केट ही खोल देना, क्या पानी दो इतना पानी डालने के बाद इतना पानी जा रहा तो मतलब वही तो दे, मतलब ऑलमोस्ट 2 लीटर पानी इसमें चला गया रेडिएटर में, तो इसका कहना है कि गैस्केट गया है जो कि वहाँ पे पूरा खोलना पड़ेगा जहाँ से पानी जल जाता है। लीटर पानी गया पक्का, गैस्केट गया था ना, तो गाड़ी चल स्टार्ट कर देते। हाँ चला फैन चला, अभी फैन चला। हाँ गाड़ी गर्म हुआ, फैन चला, लाइट अंदर नहीं आया। हाँ लाइट नहीं आया, लेकिन अभी मेन तो खराब हो गया ना, हेड खोलना ही पड़ेगा, पानी बाहर आ रहा है क्या मार रहा है। हाँ ये देखना, ये देख पूरा बॉयल आ रहा है इसके अंदर, दिख रहा है ये ढक्कन भी खराब होगा ना। हाँ तो भी रिटर्न आएगा भाई। ओके ढक्कन भी एक बार देख के डाल चलेगा। ये जो भी ये काम कर रहा है संभल के, मुझे लगता है उतना भी गर्म नहीं हुआ, लेकिन 2 बार गर्म हो गया और फॉल्ट आ चुका है इंजन, मतलब आधा खोलना पड़ेगा, जिसको बोलते गैस्केट इसका चेंज करना पड़ेगा। ले उतना पानी नहीं फेंका, पानी कम होगा, पानी का आधा पानी उसमें चलेगा ना डब्बे में, देख लगे तब भी गाड़ी स्टार्ट कर, थोड़ा देर में खोल देंगे ना, तो कल ढानू लेके चले जाऊंगा। पानी गायब हो गया ना, वो खींच लिया था उधर से। अच्छा पानी वहां चले गया ना इसमें से, क्या बेकार सिस्टम है यार। अभी जो हम इसमें एक मेन चीज आपको बताएंगे, जैसे कि ये रेडिएटर का ढक्कन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाड़ी को हीटिंग और कूलिंग करने में। तो जो आप इसके ऊपर का रबड़ देख रहे हो, ये रबड़ हो चुका है खराब। तो ये सब पता करने के बाद मतलब हमें पता चला कि भाई नया ढक्कन लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई आज इसका इंजन खुल जाता है यहाँ से। लेकिन ये भी करके देखेंगे, क्योंकि अगर ये सही होगा, बिकॉज ऑफ ये तो खराब हो गया है, तो अगर ये सही होगा यहाँ पे तो फिर आगे इंजन पे फिर जाएंगे हम, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप सब चेक कर लिया है और पानी डाल के चेक कर रहा है क्या, तो नया ढक्कन लेके आए। सो फाइनली यहाँ पे देखो भाई, नैनो का जो हीटिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। सॉल्व कैसे किया, मतलब क्या तारीफ क्या था, मतलब बता तेरे हिसाब से। ढक्कन खराब था और क्या था, रेडिएटर का ढक्कन खराब था, उसकी वजह से क्या हो रहा था पूरा डिटेल। गैस बना के पानी डब्बे से ओवरफ्लो होकर गिर जा रहा था, तो मतलब ये ढक्कन जो खराब था, तो यहाँ से पानी यहाँ पे आता था गैस बन के, और बाद में पानी गिर जाता था, ओवरफ्लो होकर निकल जाता पानी, और इसके बाद पूरा रेडिएटर पूरा खाली, इसलिए इंजन बार बार हीट हो रहा था। अब मतलब ठीक हो चुका है, मे बी एक लॉन्ग राइड में मालूम पड़ जाएगा, मेरा भी काट के दे। तो फाइनली यहाँ पे हमारी नैनो देखो वहाँ पे दूर खड़ी है, जो कि बन गई है, मतलब हीटिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मुझे लगे इंजन खोलना पड़ेगा, पर भाई ने बचा दिया यहाँ पे गाड़ी को, और यहाँ हम पी रहे नारियल पानी। ये बहुत खतरनाक एक जुगाड़ किया हम लोगों ने नारियल का, अगली बार से मैं भी भर भर के लेके जाऊंगा नारियल घर पे। मुझे लगा कि इंजन खोलना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें हमने सिस्टम से चेक किया तो गाड़ी देखो पीछे मस्त चल रही है, मतलब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो कि समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत बार रिपीट होने के बाद वो समझ में आया। तो आप उस चीज को फॉलो करना, हर गाड़ी में वो प्रॉब्लम होता है ना रेडिएटर का, मतलब जो रेडिएटर का जो ढक्कन होता है वो हर गाड़ी में सेम होता है, और वो सेम प्रोसेस काम करता है, मतलब पानी को ब्लॉक करता है, वापस आने नहीं देता। अगर वो ठीक रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नारियल पानी पीने के बाद मतलब दिन में 2-2 बार नारियल पानी पी लिया और गाड़ी भी ठीक हो गई, बहुत ज्यादा ही सोच रहा था, लेकिन कम में ही हो गया, खर्चा ज्यादा हुआ नहीं। अब भराते इसमें पेट्रोल, बिकॉज ऑफ इसका पेट्रोल पूरा हो चुका है खत्म। इसकी टाकी जो है एग्जैक्ट 14 लीटर की है, और गाड़ी किलोमीटर हो चुका है 35,008 किलोमीटर। यार गाड़ी लिए हमें पता नहीं 1 महीना होने को आएगा, और हवा आज चेक कर रहे हैं और देखा कि भाई इसमें हवा सब में हवा कम है, तो पीछे भी हवा भर दिया, टायर जो है थोड़ा ऊपर आ गया, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी ऊपर आ गई, लेकिन ये मेरा गलत सोच है। तो ये वाले टायर में 23 पॉइंट हवा था, और इसमें भरते 33 हवा, वो देखो मशीन है सामने 24 31। अच्छा हुआ आज हवा भर रहे हैं। वैसे मैंने ज्यादा नहीं, बस 500 का इसमें पेट्रोल भरा, बिकॉज ऑफ 1500 में तो ये फुल टैंक हो जाती है,
तो मेरे लिए 500 ही इनफ है, और अभी उतना ही था तो उतना ही भरा, लेकिन पॉइंट एक भी नहीं दिखा रहा है। पॉइंट आने में टाइम लगता है इसमें, तो 3 पॉइंट तो आ जाएगा, और 3 पॉइंट में मे भी 70 या 60 किलोमीटर जाएगा अपनी गाड़ी, तो अभी तक एक भी पॉइंट आया नहीं। आज पॉइंट दिख जाएगा उसमें, और बाकी खाली आप एड्रेस बताओ कि इसको लेके कहाँ जाना है। मजाक कर रहा हूँ, इसको लेके जाएंगे, थोड़ा सा काम कम हो जाए, अभी शूटिंग का काम कम हो गया, एडिटिंग वर्क बढ़ चुका है, जैन में भी शूटिंग का काम है और फैब में भी वेडिंग का ही काम है, ज़्यादातर वही अच्छा लगता है। और ये रहा मेरे पास GoPro Hero 5, मुझे इसका बैटरी अभी तक नहीं मिल रहा है, तो देखो अगर GoPro Hero 5 का ब्लैक वाला बैटरी कहीं मिल जाता है तो बताना मुझे, तो मेरा कैसा दो एंगल में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। फाइनली दिल को खुशी हुई कि कार में कोई भी कमी नहीं है, अब बड़े प्यार से स्मूथ से चल रहा है, लेकिन मेरा जो 2 दिन शूट था उमरगांव में उस टाइम पे वो धोखा दे दिया, आई होप कि अगली बार ना दे। अब मैं एक पाना पकड़ लेके घूमूंगा उसका रेडिएटर हमेशा चेक करने के लिए, क्योंकि सीट के पीछे बहुत कुछ खुलना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जब चलती है तो मस्त चलती है। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।